अब जो इसके बाद पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां सबको भावुक कर देती हैं। सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश हैं पितु नाम हमारे। नमस्कार दोस्तों, सीखो सरल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय और आज की जो आपकी रिक्वेस्ट है वो रामायण से है। हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, बहुत ही प्यारा गीत है और रिक्वेस्ट भी आप लोग की बहुत ज़्यादा आ रही है। कल रामायण का अंतिम चरण है और आज का जो एपिसोड था उसमें लव कुश ने कथा सुना दी है और ये बात पक्की है कि आज सभी लोग लव कुश की कथा से भावुक हुए होंगे। उन्होंने अयोध्या नगरी को उस वक्त तो रुलाया था, मगर आज भी उनकी कथा को सुनकर हम सबकी आंखें भर आई हैं। उनकी कथा की जो आखिरी पंक्तियां थीं, सीता माँ की आंख के तारे, लव कुश हैं पितु नाम हमारे, इन पंक्तियों को सुनकर शायद ही कोई अपने आंसू रोक पाया होगा। तो चलिए आज हम इस कथा को बहुत ही सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के द्वारा सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कथा को हम सीखेंगे मिडिल ऑक्टिव के ए शार्प से। अगर आप हारमोनियम पर सीख रहे हैं तो ये आपके लिए पांचवी काली है। पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली और पांचवी काली। ठीक, हारमोनियम वालों के लिए पांचवी काली और पियानो वालों के लिए ए शार्प। तो पहली पंक्ति है, हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की। पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ बताता चलूँगा। चलिए अब इस पंक्ति को धीरे धीरे सीख लेते हैं। हा मु का था सुनाते राम। राम के लिए तीन नोट, सी शार्प, डी शार्प और सी शार्प। फिर सकल, सकल गुणधाम की, गुण धाम। फिर की ई, ठीक है, हम के लिए ए शार्प, जी शार्प, कथा के लिए ए शार्प और डी शार्प। डी शार्प कौन सा? हायर ऑक्टेव का डी शार्प। ठीक, इसके बाद सुनाते, सुनाते, तीन बार डी शार्प। इसके बाद राम, रा आ म, सी शार्प, डी शार्प और सी शार्प। फिर सकल, सकल के लिए ए शार्प, जी शार्प, जी शार्प। फिर गुणधाम की, गुण ए शार्प, एफ शार्प। फिर धाम, जी शार्प, जी शार्प। फिर की, जी शार्प, एफ शार्प। अब सिंगल फिंगर से देखिए, हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की। ठीक, अब इसके बाद फिर से यही लाइन रिपीट है, हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, मगर थोड़ा सा अंतर है। जब हम दोबारा इस लाइन को प्ले करेंगे तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। देखिए पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं। ठीक है, इसको देख लीजिए। देखिए हा म, हम सेम है, ठीक है, हमको सेम प्ले करना है। इसके बाद कथा, कथा में अंतर हो गया। देखिए का था, पहले क्या था, का था, था जो आ रहा था डी शार्प पे आ रहा था, मगर अब था कहां पर आ रहा है, एफ पर। ठीक है, तो का था यहां पर पहला अंतर था, क्लियर। इसके बाद सुनाते, सुनाते सेम है, ये सेम है। इसके बाद राम भी सेम है, फिर सकल भी सेम है, फिर गुण वो भी सेम है। अब धाम की जो है ये चेंज हो गया, देखिए धाम की ई, धाम की ई, ये चेंज हो गया। ठीक है, तो इस लाइन को भी सिंगल फिंगर से देख लीजिए जो हम रिपीट करेंगे। ठीक, अब इसके बाद पंक्ति है, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तो इस पंक्ति को हम शुरू करेंगे यहां से डी शार्प। ठीक है, हारमोनियम वालों के लिए दूसरी काली और पियानो वालों के लिए डी शार्प। यहां से इस लाइन को हम शुरू करेंगे, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। Thank you.
जहाँ से शुरू होगी वहीं खत्म हो जाएगी। देखिए इसको धीरे धीरे देख लेते हैं। ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। ठीक, अब इसके बाद जो पंक्ति है वो है, रघुवर जैसा और ना कोई, सीता की समता नहीं हुई। तो पहले सीख लेते हैं रघुवर जैसा और ना कोई, पहले इतना सीख लेते हैं। तो इस पंक्ति को हम शुरू करेंगे सी शार्प से, यानी कि हारमोनियम वालों के लिए पहली काली और पियानो वालों के लिए सी शार्प। यहाँ से शुरू करेंगे, रघुवर जैसा और ना कोई। रघुवर जैसा और ना कोई, सिंगल फिंगर से। ठीक है, इसके बाद लाइन है, सीता की समता नहीं हुई। सी, ये लाइन शुरू होगी डी शार्प से, दूसरी काली। ठीक, सी ता की समता, फिर से देखिए समता अब नहीं हुई। यहाँ से शुरू करेंगे, न ही हो ई, चारों नोट इस्तेमाल होंगे, न ही फिर हो ई, कंटिन्यू। ठीक, इसके बाद, अब इसके बाद जो पंक्ति है वो है, दो करे पराजित कांति कोटि रति राम की। तो जैसे ही हम पहली वाली पंक्ति फिनिश करेंगे, सीता की समता नहीं हुई, उसके तुरंत बाद ये वाली लाइन हमें शुरू कर देनी है, दो करे पराजित कांति कोटि रति राम की, तुरंत बिना गैप के। तो स्लो देखेंगे इस लाइन को, ये लाइन शुरू होगी यहाँ से एफ शार्प से। ठीक है, हारमोनियम वालों के लिए तीसरी काली और पियानो वालों के लिए एफ शार्प। यहाँ से इस लाइन को हम शुरू करेंगे, दो करे पराजित कांति कोटि रति राम की, दो करे पराजित, अब कांति, कांति अब कोटि, कोटि अब रति राम की, रति राम की। ठीक है, ये जो हिस्सा है कांति कोटि रति राम की, इतना जो पार्ट है ये बिल्कुल वैसे ही प्ले करेंगे पुण्य कथा श्री राम की। ठीक है, वैसे ही हम इस पार्ट को भी प्ले करेंगे। और इसके बाद जो शुरू की पंक्तियाँ थी वो हमें रिपीट कर देनी है, जो हमने पहले सीखी थी, हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तो ये वाली जो पंक्तियाँ हैं इनको हमको रिपीट कर देनी है। फिर इसके बाद पंक्ति आएगी, कालचक्र ने घटनाक्रम में ऐसा चक्र चलाया, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। इस लाइन को हम शुरू करेंगे डी शार्प, हायर ऑक्टेव के डी शार्प से, यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, कालचक्र ने घटनाक्रम में ऐसा चक्र चलाया। चलिए स्लो देखते हैं इसको भी, बहुत ही सिंपल है ये लाइन, एक ही नोट पर 90% लाइन है ये। काल चक्र ने घटना क्रम में ऐसा चक्र, चक्र के लिए ध्यान रखना, चक्र ऐसे, इसके बाद चलाया, चलाया ए शार्प और दो बार सी शार्प। इसके बाद पंक्ति है, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। तो इस लाइन को हम शुरू करेंगे हायर ऑक्टेव के सी शार्प से, यहां से हम इस लाइन को शुरू करेंगे, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। राम सिया, सिया के लिए तीन नोटें, राम सिया आ, फिर के, फिर जीवन, जी व न, फिर में, इसके बाद फिर, फिर घोर
घोर, ठीक है। अब अंधेरा छाया, अंधेरा छा और या, सिंगल फिंगर से देखिए, अब जो इसके बाद पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां सबको भावुक कर देती हैं। सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश हैं पितु नाम हमारे। तो इन लाइनों को प्ले करने के लिए मैंने टोन चेंज कर दिए, मैंने ऑर्गन सेट कर दिया है 60 नंबर। आपके पास जो भी हो, हारमोनियम लगा दीजिए, हारमोनिका लगा दीजिए, ऑर्गन लगा दीजिए, कोई भी लगा दीजिए, ठीक है। तो ये लाइन शुरू होगी ए शार्प से, यहाँ से मिडिल ऑक्टेव के ए शार्प से, ठीक है। पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो लाइन के स्टार्ट होने से पहले छोटा सा अलाप है, पहले हम अलाप को लेंगे, ठीक है। ये अलाप हो गया, इसके बाद लाइन शुरू होती है, सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश हैं पितु नाम हमारे। मैं आपको पूरा प्ले करके दिखा रहा हूँ, अलाप भी और लाइनें भी। तो पहले जो छोटा सा अलाप है उसके लिए आपको ए शार्प प्ले करके रखना है, फिर उसके बाद सीता माँ की आँख के तारे, सी ता हा, सीता के लिए ए शार्प, बी ए शार्प, फिर माँ, फिर की, फिर आँख, के, फिर तारे। फिर थोड़ा खींचा गया है, थोड़ा सा अलाप है, ठीक है, इस तरीके से। फिर से देखिए अलाप, फिर सी ता आ मा की आ ख के ता रे हे, यहाँ पे थोड़ा रुकना है, फिर अलाप है, ठीक। इसके बाद लव कुश हैं पितु नाम हमारे, तो ये लाइन कहाँ से शुरू होगी, लव कुश हैं पितु नाम हमारे, जी शार्प, मिडिल ऑक्टेव के जी शार्प से, ला व कु श हैं, ठीक। इसके बाद पितु, फिर नाम हमारे, फिर से देखिए, ला व कु श हैं पितु, पी तू ना आ म, फिर हमारे, हा मा रे। सिंगल फिंगर से देखिए, लव कुश हैं पितु नाम हमारे, तो दोस्तों आज की जो मैंने आपकी ये रिक्वेस्ट तैयार की है, ये मैंने टीवी से रिकॉर्डिंग करके की है। उत्तर रामायण का जो स्टार्टिंग का गीत आता है उसको मैंने रिकॉर्ड किया, उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो बनाया। ओके दोस्तों, तो कल रामायण का अंतिम चरण है, देखना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय श्री राम। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है, जो घंटी वाला निशान होता है, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर सीखो सरल पर आप और भी सुपरहिट सॉन्ग पियानो और हारमोनियम पर प्ले करना सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।